नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 9.1 का 12वां प्रश्न हम करने जा रहे हैं। प्रश्न है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आइए सबसे पहले हम आकृति के माध्यम से इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यह है भूमि का स्तर और इस पर 7 मीटर ऊंचे भवन, इसका मतलब यहां 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। कोई भी बिल्डिंग, कोई घर, कुछ भी, कोई भी भवन हो सकता है। हम इसका नाम लिख देते हैं ए बी। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, शिखर मतलब टॉप, यहां से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से एक केबल टावर होगी इसके पास कहीं, ठीक है। चलो हम बनाकर देखते हैं। मान लो ये है केबल टावर, तो इस शिखर से इस केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, इस शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हम पहले यहां से धरती के पैरेलल, धरती के समांतर एक रेखाखंड खींच लेते हैं, ठीक है बच्चों। ये धरती के समांतर है ये। अब जो हमें प्रश्न में कहा गया, इस शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये पैरेलल इसीलिए बनाई क्योंकि अब यहां पे उन्नयन कोण इस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से यह उन्नयन कोण बना है, ठीक है। यह इसीलिए धरती के समांतर यहां एक रेखा खींची है और इस शिखर से केबल टावर, ये पूरा केबल टावर है लंबा, इसके शिखर का उन्नयन कोण बच्चों हमें दिया गया है 60 डिग्री। देखो तो ये हमने लिख दिया 60 डिग्री। और इसके पाद का अवनमन कोण, इसी बिंदु से इस केबल टावर के पाद यानी ये बॉटम पॉइंट, यहां का अवनमन कोण ये है, ठीक है। तो यह जो अवनमन कोण है ये भी इसी भूमि के इस स्तर के साथ बनेगा, ये बन गया ये 45 डिग्री। अब बच्चों एक चीज ध्यान से देखना, हम पहले इस बिंदुओं के नाम लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं सी, इसको लिखते हैं डी, यहां ये जो बिंदु है इसको लिख देते हैं पी। अब देखना ये इसके समांतर है, एपी और बीडी समांतर है, ये तिर्यक रेखा हुई, तो ये जो कोण है ये इसके बराबर होगा। क्यों होगा, एकांतर अंतः कोण होते हैं ये, तो ये 45 डिग्री आ गया। अब बच्चों आप ध्यान देना, हमने इसमें से बच्चों दो त्रिभुज लेने हैं। पहला त्रिभुज लेना है ये वाला, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज लेंगे हम ये वाला, ठीक है। और मैंने आपसे पहले भी बताया था कि जब भी किसी त्रिभुज में 45 डिग्री हो तो उस त्रिभुज को पहले लेते हैं, तो यानी कि ये जो है इसे हम पहले लेंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए मान लो, पहले जो जो हमने माना वो लिखो, ए बी है भवन, ए बी एक भवन है और सी डी एक क्या है, केबल टावर है, एक टावर है। ठीक है बच्चों, तो इन ट्रायंगल ए बी डी पैंतालीस डिग्री है, तो हम टैन लेंगे, टैन 45 डिग्री, ये इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। परपेंडिकुलर है ए बी बटा बेस है बी डी। बच्चों टैन 45 होता है 1 के बराबर। ए बी हमें पता है 7 मीटर बटा बी डी हमें पता है, नहीं पता है, तो बी डी यहां इस 7 के साथ भाग हो रहा है, उधर जाएगा तो 1 के साथ गुना हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बी डी गुना 1 हो गया, बी डी बराबर 7 मीटर, तो बी डी की जो लंबाई आ गई है वह 7 मीटर आ गई है। आइए अब हम आगे देखते हैं बच्चों,
अब हम लेंगे ये वाला छोटा त्रिभुज सी पी ए इन ट्राइंगल सी पी ए। बच्चों ध्यान से देखना, टेन 60 डिग्री लगाएंगे इसमें बराबर। टेन 60, टेन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। इस त्रिभुज में सी पी ए में परपेंडिकुलर है ये सी पी बटा बेस है ये एपी। अब बच्चों जो मैं लिखने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से देखेगा, टेन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह होती है रूट तीन, स्क्वेयर रूट तीन बराबर सीपी। सीपी हमें नहीं पता बटा एपी। अब बच्चों एपी किसके बराबर होगा, देखो एपी क्या है, ए से पी की दूरी यानी इसके और इसके बीच की दूरी ये वाली, तो एपी और बीडी दोनों बराबर होंगे। देखो एपी और बीडी, क्योंकि बीडी क्या है, यह भी एबी और सीडी के बीच की दूरी है, एपी भी एबी और सीडी के बीच की दूरी है, तो जितना बीडी होगा उतना ही एपी होगा। तो बीडी अभी हमने निकाला था 7 मीटर, इसका मतलब एपी भी आ जाएगा 7 मीटर। यहां से बच्चों सीपी किसके बराबर आ गया, 7 इसके साथ भाग हो रहा है सीपी के साथ, उधर जाएगा तो रूट तीन के साथ गुना हो जाएगा, तो यह आ गया 7 गुना रूट 3 मीटर। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, जितना ए बी है उतना पी डी है ना, ए बी और पी डी, क्योंकि ए ये इसके समांतर ही तो खींची थी, तो जितना ए बी होगा उतना ही पी डी होगा। तो यदि ए बी 7 मीटर है तो ये भी हो जाएगा 7 मीटर। अब हमें निकालनी है टावर की ऊंचाई जो कि है सी डी के बराबर। याद रखना ये सीपी था, ये सीडी है, सीडी होगा सीपी प्लस पीडी के बराबर। देखो सीपी हमें नहीं पता, सॉरी सीपी अभी हमने लिखा 7 रूट 3, प्लस पीडी, पीडी हमने लिखा है 7 मीटर। इन दोनों में से 7 कॉमन ले लो, बाकी यहां से 7 कॉमन चला गया, बाकी रह गया रूट तीन प्लस 7 कॉमन है, 7 को 7 से भाग कर दिया 1, तो बाकी बच गया 1 मीटर। इसका मतलब सी डी आ गया 7 × √3 + 1 मीटर, और सी डी क्या है, सी डी क्या है, यह टावर की ऊंचाई है, तो हम यहां लिख देंगे टावर की ऊंचाई बराबर 7 × √3 + 1 मीटर। यही हमारा उत्तर है। तो बच्चों देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हमने इस प्रश्न को हल करके टावर की ऊंचाई ज्ञात की है। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। यदि कहीं से भी आपको यह प्रश्न ना समझ आया हो तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाकर एक बार दोबारा देख सकते हैं। बच्चों यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर आप बाकी प्रश्नों के वीडियोस देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझकर अपनी नोटबुक्स में लिख भी सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।